और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान विमान हादसे पर भारत की तरफ से बयान जारी किया गया है और भारत कह रहा है कि हमारी कोई फ्लाइट वहां से नहीं गुजरती है। एयरफोर्स ने भी अपना विमान होने से इनकार कर दिया है और यह कहा गया है कि क्रैश विमान चार्टर्ड है या प्राइवेट हो सकता है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त है कि आपको बता रहे हैं, भारतीय यात्रियों का प्लेन क्रैश, ये अफगान मीडिया की तरफ से कहा गया है, लेकिन भारत की तरफ से क्या कहा जा रहा है? भारत की तरफ से कहा जा रहा है नन ऑफ अवर रेगुलर फ्लाइट फ्लाई दैट रूट, यानी हमारा कोई भी विमान उस रूट पर उड़ान नहीं भरता है, कोई भी फ्लाइट वहां से नहीं गुजरती है। एयरफोर्स वायुसेना की तरफ से भी कहा गया कि हमारा विमान नहीं है, एयरफोर्स ने भी अपने विमान होने से इनकार कर दिया और क्रैश विमान चार्टर्ड या प्राइवेट हो सकता है यह भी कहा, लेकिन अफगान मीडिया की तरफ से यह कहा जा रहा है भारतीय यात्रियों का ये प्लेन हो सकता है। एमईए कह रहा है कि क्रैश विमान चार्टर्ड या फिर प्राइवेट हो सकता है, लेकिन भारत की तरफ से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है क्योंकि अफगान मीडिया लगातार यह कह रहा है कि यह भारतीय विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो क्रैश हो गया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी कोई भी फ्लाइट उस रूट से नहीं गुजरती है। एयरफोर्स ने भी साफ साफ कह दिया है कि हमारा कोई विमान नहीं है उस रूट पर, ना हमारा कोई विमान उड़ान भरता है और ना ही हमारा विमान वहां क्रैश हुआ है, लेकिन यह भी कहा है कि क्रैश विमान चार्टर्ड या प्राइवेट हो सकता है। अफगान मीडिया लगातार कह रहा है कि भारतीय यात्रियों का प्लेन क्रैश हुआ है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।